वेलकम गाइज माई यूट्यूब चैनल, मैं हूँ नितिन और आप देख रहे हैं नॉलेज ऑफ नितिन। दोस्तों, अब तक हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आती थी उसके लिए अलग अलग प्रकार के फॉर्म और फी भरते थे, लेकिन अब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि 19 अगस्त 2020 के दिन पीएम मोदी की अध्यक्षता में एक केंद्रीय कैबिनेट की बैठक मिली थी, उसमें एनआरआई का निर्माण करने का अहम फैसला लिया गया है। चलिए दोस्तों, अब ये जानते हैं कि ये एनआरआई क्या है। एनआरआई यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। एनआरआई की रचना केंद्र सरकार करने वाली है और ये एनआरआई 3 साल में कार्यरत हो जाएगी। एनआरआई जो एग्ज़ाम लेने वाली है उसका नाम है CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये एग्ज़ाम आने वाली सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम के लिए वैलिड किया जाएगा। ये एग्ज़ाम 1 साल में 2 बार लिया जाएगा और 12 भाषाओं में लिया जाएगा, और एनआरआई की जो संस्थाएं हैं वो हर ज़िले में कार्यरत होगी, लेकिन उनकी शुरुआत 171 जिलों से की जाएगी। अब जानते हैं जो स्टूडेंट है उनको क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो पहला फ़ायदा ये है कि अलग अलग वैकेंसियों के लिए अलग अलग एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे, सिर्फ एक एग्ज़ाम पास करने के बाद आने वाली हर वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि अलग अलग सिलेबस की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, एक एग्ज़ाम के लिए सिर्फ एक ही सिलेबस चाहिए। तीसरा फ़ायदा ये होने वाला है कि अब तक जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए अलग अलग ज़िलों में या राज्यों में जाया करते थे, उनको ये जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर ज़िले में एनआरआई की संस्थाएं कार्यरत हो जाएगी, इसलिए आपको अपने ही ज़िले में एग्ज़ाम देनी होगी। चौथा फ़ायदा ये होने वाला है कि इनका जो रिजल्ट है वो 3 साल के लिए वैलिड किया जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।